सब्सक्राइब कीजिए अमनदीप फिटनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू अमनदीप फिटनेस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम फैट बर्नर्स और एल आर्जिनिन में डिफरेंस जानेंगे। फैट बर्नर्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर होता है और ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती है टू शेड वेट फास्टर। नॉर्मली फैट बर्नर्स में एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन टी, कैफीन, गार्शिनिया कंपोडिया और ग्रेप फ्रूट होते हैं। फैट बर्नर्स नेसेसरी फूड क्रेविंग्स या भूख को कंट्रोल करते हैं और अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट नहीं होने देते और इन कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करते हैं फॉर एनर्जी। फैट बर्नर्स अकेले काम नहीं करते, इनके साथ आपको डिसिप्लिन डाइट और वर्कआउट प्लान भी फॉलो करना पड़ता है। दूसरी तरफ एल कार्निटिन मसल सीकर्स को हेल्प करता है जब वो रिप्ड होने की ट्राई कर रहे होते हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स फ्री होते हैं, बट वो माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचते अगर सफिशिएंट एल कार्निटिन नहीं हो। कार्निटिन को सप्लीमेंट करने से वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बर्न हो जाते हैं फॉर फ्यूल मसल ग्लाइकोजन की जगह। कार्निटिन हेल्पफुल है वर्कआउट ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक एसिड का मसल्स में बनना कम करता है। और जब आप लेस फटीग्ड फील करते हैं तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो एक वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन है मसल बिल्डिंग के लिए। तो गाइस, आप अपनी नीड के हिसाब से फैट बर्नर और एल कार्निटिन में से एक यूज़ कर सकते हैं। राइट सप्लीमेंट आपके वर्कआउट और डाइट प्लान को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो इन्हें वाइजली चूज़ करें और विग्रसली वर्कआउट करें तो आपको अपनी बॉडी पर रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमनदीप फिटनेस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।